दिलीप कुमार की तबीयत पहले से बेहतर और स्थिर है। कल उनकी तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था। उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ऐलान किया गया कि वो जल्द घर लौटेंगे। मुंबई में खार के पीडी हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराए गए दिलीप कुमार की अच्छी सेहत के लिए, लेकिन शाम को उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से स्थिति साफ कर दी गई। व्हाट्सएप संदेशों पर भरोसा ना करें, साहब की तबीयत स्थिर है, आप सबकी दुआओं और प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया। डॉक्टर के मुताबिक अगले 2-3 दिन में वो घर पर होंगे। अस्पताल के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिलीप कुमार के फेफड़ों में पानी भर गया है और सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है, लेकिन दिलीप कुमार को न तो आईसीयू में रखा गया है और न ही वेंटिलेटर पर। उनका इलाज सामान्य वार्ड में चल रहा है। रविवार की सुबह मुंबई में खार के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराए गए दिलीप कुमार की हालत पहले से बेहतर और स्थिर बताई जा रही है। इस सूत्र ने हमें ये भी कहा कि दिलीप कुमार को ना तो आईसीयू में रखा गया है और ना ही वेंटिलेटर पर, उनका इलाज सामान्य वार्ड में चल रहा है। डॉक्टरों के हवाले से कहा गया है कि दिलीप कुमार की हालत पहले से बेहतर और स्थिर है और हो सकता है कि 2-3 दिनों में वो अपने घर लौट आए। दिलीप कुमार की तबीयत खराब होने की खबर मिलने के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी हिंदुजा अस्पताल पहुंचे थे। वहां उन्होंने दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो से मुलाकात कर हालचाल जाना था।